हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज एक नई वीडियो लेके आया जो कि हमारे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स हैं दोस्तों और व्यूअर्स हैं, थोड़े बहुत आदमियों ने रिक्वेस्ट की थी कि बीगो लाइव और लाइकी पे वीडियो बनाओ करके, तो मैं सोचा उनके लिए एक वीडियो बना देता हूं। मैं कई दिन से तलाशता रहा इसके डेटा को मिलाने, तो आज मेरे को एक न्यूज मिली तो सोचा आप तक पहुंचा देता हूं करके। ये हमारे टिकटॉक के व्यूअर्स भी देखे दोस्तों, ताकि आपको भी मैं एक चीज बताने वाला हूं इसमें, तो प्लीज आप भी देखिए। दोस्तों इसके डिटेल में जाने से पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जैसे कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ढेर सारे न्यूज आपके लिए रोज रोज लाता रहूंगा। तो चलो फ्रेंड्स लेके चलता हूं इसके डिटेल्स पे। दोस्तों पहली बात यह है, मैं सुबह एक वीडियो अपलोड किया था टिकटॉक रिलेटेड, समझो हमारे जो चाहने वाले हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं, थोड़े बहुत है बताते हैं फेक न्यूज करके। दोस्तों मैं प्रूफ दिया हूं, दोस्तों ऐसे नहीं किया मैं जो मर्जी में आया बता दिया, मैं विद प्रूफ डाला हूं, आप देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई करो, ऊपर चैनल का नाम भी है, न्यूज़पेपर का नाम भी डाला रहता है उसमें, जाओ चेक करो तो आपको पता चल जाएगा सही है गलत है करके। फिर आप बोलते रहे तो थोड़े बहुत बंदे बताते हैं फेक न्यूज है करके, पर ये जो ना चाहने वाले ये बंदे। दोस्तों आप चलो बैन भी हो गया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं सोचो ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरे को भी वापस चाहिए टिकटॉक लाइकी जो भी ऐप है, जो भी शॉर्ट टर्म प्लेटफॉर्म है, मेरे को भी वापस चाहिए। तो बैन हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती रहेगी, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा काम बस ये है कि मैं आप तक न्यूज पहुंचाता हूं। पर मैं भी यही चाहता हूं, मैं भी यही इरादा किया हूं कि पूरी तरह से ये चैनल वापस आए, और चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों, चांसेस वापस आने के मोर देन समझो 90% है, तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उम्मीद मत छोड़ना आ जाएंगे। जैसे जैसे अपडेट मेरे को मिलता रहेगा मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो मैं एक और चीज भी बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं कल कोई डिस्क्रिप्शन में समझो कोई फोटो नहीं डालूंगा मेरे वीडियो पर, राइट में लेफ्ट में कोई भी साइड नहीं डालूंगा, कल मैं आपको लाइव बताऊंगा, कल आपको लाइव बताऊंगा मैं कहां से मिलते हैं, कौन सा न्यूज चैनल है, कौन सा न्यूज़पेपर का चैनल है, सारी की सारी स्टोरी आपको मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा। टिकटॉक की न्यूज मिली है मेरे को तो सोचा डायरेक्ट आपकी बार मैं आपको लाइव परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले हाँ भाई बंदा सही बोल रहा है करके। ये सिर्फ जो ना चाहने वाले बंदे थे जो बताए थे कि फेक वीडियो है करके, उनके लिए है दोस्तों। तो चलो दोस्तों अब मैं लेके चलता हूं जो बीगो लाइव और लाइकी के सारे डिटेल्स पे। दोस्तों मैं पहले आपको ये बता देता हूं, बीगो लाइव और लाइकी ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है दोस्तों, एक ही जगह से जमा होती है, जैसे कि सिंगापुर, ये दोनों प्लेटफॉर्म सिंगापुर के है और ये दोनों को एक ही कंपनी ओन करती है, वो क्या है, बीगो टेक्नोलॉजी। तो कुल मिला के बात तो ये हुई दोनों एक ही कंपनी है, जब वापस आएंगे दोनों साथ में आएंगे, जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे, क्योंकि जब एक ही कंपनी होल्ड करती है प्राइवेसी भी एक ही कंपनी के पास होगी, बेचना चाहती है तो एक ही कंपनी इसको बेचेगी, या फिर क्लैरिफिकेशन देगी तो भी एक ही कंपनी देगी। तो मैं इसकी डिटेल दे देता हूं दोस्तों, दोस्तों मेरा काम बस ये, मैं फिर से कहना चाहता हूं मेरा काम बस ये, जो न्यूज मेरे को मिली मैं आप तक पहुंचाता हूं बस, जो सही है जो गलत है वो बताता हूं मैं, ऐसे नहीं कि जो भी मर्जी में आ रहा है बता देता हूं, मैं जो चीज बताता हूं उसे स्क्रीन पे भी देता हूं दोस्तों, आप चाहिए तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, उधर पढ़ भी सकते हो, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे डाल देता हूं, आप पास कर लो वीडियो एक सेकंड के लिए, पढ़ लो उधर पे, क्या जो मैं बताता हूं वो उधर पे रहता है, बस आपको एक्सप्लेन करता हूं, उधर इंग्लिश में रहेगा मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। तो चलो फ्रेंड्स बताता हूं, जैसे कि आपको बताया था मैं, बीगो और लाइव एक ही प्लेटफॉर्म से, सिंगापुर बेस्ड है ये, बीगो टेक्नोलॉजी इनको चलाती है। तो इसके फाउंडर है जेसन हु, इनका नाम है जेसन हु। तो फ्रेंड्स समझो एक रिसेंटली एक प्रेस रिलीज में इन्होंने बताया था, चार डिफरेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं। पहला पॉइंट ये है दोस्तों, जस्ट सस्पेंडेड द सर्विस, समझो उन्होंने ये कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इनकी सर्विस को सस्पेंड की है, ऐप को नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, उन्होंने क्लियरली बताया है कि बस सर्विस, इंडिया में जो सर्विस है उनकी, वीडियो सर्विस जो भी प्लेटफॉर्म है जो देते हैं इंडियंस को, वो सर्विस बंद किया गया है, ताकि ऐप नहीं, ये क्लियरली बता रहे दोस्तों, सिर्फ सर्विस सस्पेंड है, ऐप को अभी तक सस्पेंड नहीं किया ना तो बैन किया है, बस सर्विस को सस्पेंड किया है, ऐप को प्ले स्टोर से निकाला गया, ये वापस भी आने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे दोस्तों। तो पहली चीज उन्होंने ये कही है। दूसरी चीज उन्होंने ये कही है लाइकी बस टेम्पररी बैन है दोस्तों, सिर्फ टेम्पररी बैन है, उन्होंने क्लियरली बताया कि टेम्पररी टेकन ऑफ करके बताया दोस्तों, लाइकी इज टेम्पररीली टेकन ऑफ, इसका मतलब ये हुआ लाइकी जो ऐप है इसको टेम्पररीली निकाला गया है, मतलब थोड़े बहुत टाइम के लिए, जब तक क्लैरिफिकेशन इनको नहीं मिल जाती इस डेटा की प्राइवेसी के, उस समय तक ये निकाला गया है, उन्होंने क्लियरली बताया। अब उन्होंने ये नहीं कहा है कि इधर ना तो इसको बैन कर दिया गया या फिर हटा दिया गया, टेम्पररीली निकाल दिया गया, जब तक ये बंदे इनके साथ मॉनिटर करेंगे, क्लोज मतलब क्लोज मीटिंग करेंगे, सारे डिटेल्स नहीं देंगे तब तक होगा नहीं। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों टिकटॉक का वापस आना, समझो टिकटॉक जैसे ही क्लैरिफाई हो जाएगा, आप समझो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, नंबर वन प्लेटफॉर्म है इस ऐप में से, तो पहले टिकटॉक का क्लैरिफाई होगा तो ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा दोस्तों,
तो आप टिकटॉक की भी रिलेटेड न्यूज देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। मैं जैसे रोज रोज हमारे टिकटॉक की न्यूज भी देता रहता हूं, तो ये भी देखिए आपको पता चल जाएगा। कल भी मैं प्रूफ दूंगा सुबह में, आज सुबह एक वीडियो अपलोड किया, फिर उसके बावजूद भी आप शाम में डाल रहा हूं, ताकि ये बिगो के जो भी मांग किए थे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स उनके लिए, तो उन्होंने क्लियरली बताया लाइक की बस टेम्पररीली टेकन ऑफ है दोस्तों, उसको ना तो बैन किया है कुछ भी नहीं, सिर्फ इंडिया में टेम्पररीली निकाल दिया गया है, ताकि जब तक इनको इनकी क्लैरिटी ना मिल जाए, जो भी डेटा की प्राइवेसी है गवर्नमेंट की मांग थी, जब तक उसकी क्लैरिटी नहीं मिल जाती ये ऐप वापस नहीं आएगा। जैसे क्लैरिटी ये बंदे दे देंगे, बता देंगे कि जो भी डिटेल है वापस आ जाएगा। इन्होंने ये भी क्या कहा है कि वापस आने वाला है, हम लोग सारा सबूत इकट्ठा किए और क्लैरिटी भी देने के लिए तैयार है, हम लोग ऐसा कुछ गलत काम नहीं करते इसमें करके। तो अच्छा चलो फ्रेंड्स, मैं उस पर भी एक चीज बताता हूं, बिगो टेक्नोलॉजी ने यह भी कहा है, जिसलिए सस्पेंड हुआ है उसके, समझो उन्होंने ये कहा है, बिगो टेक्नोलॉजी होल्ड एटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ ऑल लोकल लॉ प्राइवेसी। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने ये कहा है कि जो भी लोकल हमारे यूजर्स है, इंडियन यूजर्स है, उनकी जो लॉ है हम लोग उस पर ही चलते हैं, उनका पूरा डेटा एकदम सिक्योर है हमारे पास, हम लोगों ने ना तो किसी को बेचा है ना तो किसी को दिया है, हम ये आपके आगे बैठेंगे और आपको प्रूफ भी करेंगे और इसकी सिक्योरिटी भी सारी आपको देंगे, तब आपको पता चलेगा, इनका ये कहना है दोस्तों। उन्होंने क्लियरली बताया है, मतलब जो भी यूजर्स है बीगो लाइव और लाइकी के, इनकी जो भी डेटा यूजर डेटा है इनकी अटमोस्ट प्रायोरिटी है, तो ये ना तो किसी को देते हैं ना तो लेते हैं, ये एकदम टोटली सेफ है इनको। इन्होंने ये भी कहा है कि किसी की लड़ाई में, समझो एक प्लेटफॉर्म है टिकटॉक करके, ऐसे ढेर सारे प्लेटफॉर्म है, इनके साथ ये चाइनीज बैन करना था, तो हमारा भी इनमें मतलब सेम प्राइवेसी पॉलिसी थी हमारी भी स्टार्टिंग में, जो यूजर डेटा मांगता है तो हमारा भी बैन कर देगा, जो बाकी के ऐप है बिगो टेक्नोलॉजी के वो तो सेव है, बस ये दो को हटा दिया गया करके इनका कहना है दोस्तों। ये थी तीसरी न्यूज। चौथी न्यूज बताता हूं मैं, वर्किंग क्लोजली विथ इंडियन गवर्नमेंट अंडर लीगल फ्रेमवर्क, उन्होंने ये कहा है, हम लोग जो मैं इंग्लिश में, ये इंग्लिश में था तो मैं आपको हिंदी में बताता हूं दोस्तों। उन्होंने ये कहा, क्लियरली बताया है कि हम लोग गवर्नमेंट से एकदम क्लोज होकर काम कर रहे हैं, ताकि हमें सारी डिटेल मिले और हम गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करें इस न्यूज पर, जो जब जैसे ही हम लोग क्लैरिफाई करेंगे ये चीज वापस आ जाएगी, बस थोड़ा इंतजार करना होगा दोस्तों। उन्होंने क्लियरली बता दिया हम लोग एकदम क्लोज है, जो हो रहा है सारी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, इंडियन की गवर्नमेंट जो चीज मांग रही है उसको हम लोग इकट्ठा करें, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी वापस आ जाएगा करके उनका कहना है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की बिगो लाइव और लाइकी की न्यूज। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे ढेर सारे वीडियोस में लाता रहूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।